नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे चैनल में। और आज हम हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। आज के जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो आपके लिए एक हाउस है, जो कि आपका बोल सकते हैं कि स्मॉल और आपका एक बजट में आने वाला। आज आपको हम हाउस दिखाने वाले हैं। अगर मैं इसके टोटल एरिया की बात करूँ तो ये आपको 55 गज में मिलने वाला है, जिसमें आपको एक पार्किंग मिलने वाली है। आराम से आप छोटी कार इसमें पार्क कर सकते हैं। और ये आपका 2 बेडरूम सेट है, जिसमें डबल स्टोरी आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और चलते हैं अंदर की तरफ। दोस्तों जैसे आप अंदर आते हैं ये आपको पार्किंग एरिया इसका मिल जाएगा। इस पार्किंग में आप आराम से एक छोटी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और नीचे आपको पार्किंग में टाइल लगी मिलने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टाइल आपको मिलने वाली है। समर सेविल देख सकते हैं, ये स्टार्टर इसका लगा हुआ है। तो आपको इसमें 55 गज के मकान में समर सेविल मिलने वाला है। और क्या चाहिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए साइड से जैसे आप पार्किंग में आते हैं तो पार्किंग में इन्होंने कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है। ये आपका कॉमन वॉशरूम आ जाएगा। अब चलते हैं अंदर। ये आपका मेन एंट्रेंस आ जाएगा, जिसमें आपको डबल डोर मिलने वाला है। जैसे आप अंदर आते हैं ये आपको ड्राइंग एरिया मिल जाएगा इसका। और आप ऊपर आपको इसकी जो छत है इस पर आपको सिंपल पीओपी का डिजाइन मिलने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और इसके ड्राइंग एरिया की एक साइड में आपको वॉल पर ऊपर तक टाइल अलग अलग निर्माण की हुई है। ये काफी अच्छे पैटर्न 3D पैटर्न के साथ आपको मिलने वाली है। और कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, लाइट कलर इसके इन्होंने यूज करा हुआ है, जो कि देखने में काफी प्यारे लग रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं इसकी फ्लोर पर, जो इसकी फ्लोर पर टाइल नहीं हुई है, फ्रेश फ्रेश टाइल आपको मिलने वाली है, जो कि काफी अच्छे और खूबसूरत पैटर्न के साथ आपको दी गई है। चलिए चलते हैं इसके बेडरूम की तरफ। जैसे आप ड्राइंग एरिया से आप सीधे घर की साइड आएंगे आपको एक और बेडरूम मिलने वाला है। अगर मैं बेडरूम के साइज की बात करूं तो आपको 10x11 का बेडरूम का साइज मिलने वाला है, जिसमें आपको अलमीरा मिलने वाली है। ये आपको अलमीरा मिल जाएगी, जो कि काफी बड़ी अलमीरा आपको मिलने वाली है। देख सकते हैं अंदर में चाहूं तो जाके खड़ा भी हो सकता हूँ। बाकी अलमीरा के ऊपर ही आपको इसमें लाइटिंग सोर्स काफी ध्यान रखा हुआ है कि डे लाइटिंग जो काफी अच्छी तरह से इसमें आ रही है। देख सकते हैं आपको ऊपर वेंटिलेशन मिल जाएगा, जो कि डे लाइटिंग के लिए काफी यूजफुल है। इससे भी आपको रूम की छत है आपको देखो टीवी का काफी सिंपल डिजाइन मिलने वाला है, और काफी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ। बेडरूम की मैं भी आपको एक साइड में देख सकते हैं कि वॉल पर टैल लगा के दिखे ऊपर तक। ये आपका इसका अटैच वॉशरूम आ जाएगा। अभी हम आपको खोल के दिखा सकते हैं क्योंकि ये लॉक है। अब मैं बात करता हूँ उसके किचन की, तो आपके ड्राइंग एरिया के साइड में आपको जस्ट आपको यहाँ पे किचन मिलने वाला है, क्योंकि मॉडुलर किचन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो किचन है देख सकते हैं, काफी अच्छे माइका का यहाँ पे यूज कर रहा है, व्हाइट एंड येलो माइका आपको यहाँ पे मिलने वाला है, कलर का है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कैबिनेट्स आ जाएंगे, और नीचे आपके जो रैक है वो भी काफी अच्छे तरीके से उन्होंने काम करा हुआ है। और अब ऊपर इसकी स्लिप की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको ग्रेनाइट पत्थर लगा कर उन्होंने दिया हुआ है, और ये आपका सिंक आने वाला है। और किचन में भी आपको विंडो मिलने वाली है, जो कि पार्किंग की साइड में ओपन है, जिससे आपको बात करके पता लगेगा कि कौन आ रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ, जो कि आपके सेकंड फर्स्ट फ्लोर पर है, जो कि आपके लिए पार्किंग में से ऊपर जाने के लिए आपको रास्ता मिलने वाला है। देख सकते हैं इसमें भी आपको स्टील की रेलिंग लगा के दी गई। ये आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में आपको स्पेस मिल जाएगा।
आप इससे यहाँ पर आराम से पैकिंग भी यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और इधर से ही आपको आपको देख सकते हैं दो फिट की यहाँ पर गैलरी दी हुई और बाहर का व्यू आप यहाँ से आराम से नज़ारे ले सकते हैं। चलिए इसके फर्स्ट फ्लोर पर हम चलते हैं नदी साइड। आपको जैसा मैं नीचे दिखाया था वैसे आपको कुछ देखने को मिलने वाला है, पर आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, पूरे घर में आपको टाइल लगे मिलने वाले नीचे फ्लोर पर, आप देख सकते हैं सेम आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपका इसका ड्राइंग एरिया आ जाएगा, आपको इसके जो रूफ है इस पर आपको डिजाइन आपको थोड़ा चेंज मिलने वाला है, देख सकते हैं काफी अच्छे पैटर्न के साथ आपको मिलने वाला है। पीपी का डिजाइन काफी अच्छे यहाँ पर दिया हुआ है और सेम नीचे की तरफ आपको एक साइड में आपको यहाँ पर टाइल लगाकर दी गई वॉल पर। और ये आपका सेकंड बेडरूम आ जाएगा जो कि सेम साइज में आपको मिलने वाला है, 10x11 का इसका बेडरूम का साइज आपको मिलने वाला है। हर जगह लाइटिंग डे लाइटिंग सोर्स का काफी ध्यान रखा गया है, देख सकते हैं काफी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको ये मिलने वाला है। इस बेडरूम में भी आपको अलमीरा मिलने वाली है, देख सकते हैं ये आपकी अलमीरा आ जाएगी और इसमें भी आपको एक अटैच वॉशरूम मिलने वाला है, देख सकते हैं जो वॉशरूम नीचे बंद था हम दिखा नहीं पाए थे वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। वॉशरूम में भी आपको 7 फीट तक आपको टाइल लगा कर दी हुई है। और फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको एक किचन मिलने वाली है, देख सकते हैं ये आपका किचन है, जैसा हमने आपको सेम नीचे दिखाया था वही आपको मिलने वाला है। अब हम लेकर चलते हैं आपको इसके छत पर। और ये हम आपको इसकी छत पर आ गए हैं, देख सकते हैं आसपास का जो व्यू है आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा देखने में और काफ़ी बाकी में काफ़ी अच्छा है आसपास, देख सकते हैं इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। दोस्तों मैं बात करता हूँ उसके प्राइस की, तो इसके प्राइस होने वाले हैं 34 लाख में आपको मकान मिलने वाला है जो कि डबल स्टोरी है, 2 बेडरूम सेट है, 55 गज में बना हुआ है और कारगिल चौक के आपको ICBT के पास आपको मिलने वाला है। बाकी और भी कोई जानकारी इसके रिगार्डिंग अगर आपको चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पे नीचे दिया हुआ है, आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।